अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये कुर्ती की पूरी लेंथ है 60 इंचेस। ये नेट के कपड़े में बनी हुई है और ये कॉलर वाली कुर्ती है। देखिए इसमें हम इसका साइज बताते हैं। कपड़ा इसका जो है अस्तर ये है 4 मीटर और ये पूरी लॉन्ग कुर्ती है। इसका डायग्राम आइए देखते हैं। डायग्राम शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए इसका जो लेंथ है, कुर्ती का लेंथ 60 इंचेस है नेट की। हम अस्तर इसमें 3 इंच कम करके ले रहे हैं। देखिए इस तरह हमने अस्तर ले लिया है 57 इंचेस, 4 फोल्ड कपड़े को करते हुए। देखिए ये 4 फोल्ड कपड़ा है इस तरह। अब हम इसका शोल्डर लेंगे 7.5 इंचेस। देखिए ये 7.5 इंचेस पर हमने निशान लिया हुआ है और ये हाफ इंचेस यानी कि 7.5 में हाफ इंचेस मिलाए तो 8 होता है। ये हाफ इंचेस हमारा मार्जिन का कपड़ा है तो टोटल हमारा यहाँ पर हमने 8 इंचेस लिया हुआ है। कॉलर की कुर्ती को शोल्डर ज़्यादा लगता है कटिंग में, बगैर कॉलर की कुर्ती को शोल्डर कम लगता है, तो इसलिए हमने इसमें 8 इंचेस लिया हुआ है क्योंकि ये कॉलर की कुर्ती है। अब इसका आरमोल हम देखेंगे। देखिए इसका आरमोल भी हमने 7.5 लिया हुआ है यानी कि इसका बगल हमने 7.5 लिया हुआ है। अब इसका चेस्ट का हिस्सा देखेंगे। देखिए इस तरह फोल्ड साइड से टेप रखते हुए हम चेस्ट का हिस्सा लिया है हमने 9.5 यानी कि इसका जो चेस्ट है कुर्ती को रेडी इसका सामने से फ्रंट में से 19 इंचेस है, उसका हाफ करके हमने 9.5 ले लिया है और हमने यहाँ पर 2 इंचेस मार्जिंग लगा दी है। देखिए इस तरह 2 इंच कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम देखेंगे कमर की लंबाई यानी कि वेस्ट लेंथ। देखिए 14.5 इंच पर हमने इसकी वेस्ट लेंथ ले लिया है। ये 14.5 इंचेस इसकी वेस्ट लेंथ हो गई है। अब इसकी वेस्ट चौड़ाई यानी कि कमर की चौड़ाई देखेंगे हम। देखिए कमर की चौड़ाई है 16 का हाफ करते हुए हमने यहाँ पर कमर के निशान पर 8 इंच ले लिया है और 2 इंच मार्जिंग लेके 10 इंच हो चुका है। तो ये इस तरह हमने लेंथ, शोल्डर, बगल, चेस्ट और वेस्ट लंबाई, वेस्ट चौड़ाई ले ली है। अब हम इसे ए लेन कट करना है यानी कि फुल घेरा लेना है हमें। तो हम इसका जितना भी कपड़ा है आपको 22 इंचेस आए या फिर 20 इंचेस आए पूरा लेना है। तो नीचे दामन में हम देखेंगे कितने इंच आ रहा है। देखिए दामन में 21 इंचेस आ रहा है। इस तरह हम इसे कट कर लिया है। अब हम इसे नेट के कपड़े पर रखते हुए कटिंग ले लेंगे इसकी। देखिए फुल घेरे का फ्रॉक पूरा इसमें 4.5 मीटर का घेरा है और हैवी वर्क है। तो इस तरह हम इस तरह जो बीच का डिज़ाइन है इसे हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेंगे। देखिए इसे हमने इस तरह बीच सेंटर में ऐसा फोल्ड कर दिया है। हमें सिर्फ आर्मोल कटिंग करना है इसमें। देखिए हमने जो अस्तर कट किया हुआ था इसे हम नेट के कपड़े पर रखते हुए सिर्फ आर्मोल और साइड का इतना कपड़ा कट कर लेंगे। देखिए हमने इस तरह कट कर लिया है नेट के कपड़े को। अब हम इसमें से बैक साइड के गले को बिल्कुल नहीं कट करेंगे, फ्रंट साइड का नेक इस नेट की डिज़ाइन में कट करेंगे। देखिए इसमें बैक साइड का नेक बिल्कुल भी कटिंग नहीं है, तो आप भी पीछे का नेक नहीं कट करेंगे। कॉलर वाले ड्रेस में नेक नहीं कट करा जाता है पीछे का। और फ्रंट का जिस तरह डिज़ाइन है उसी तरह हम फ्रंट का नेक भी कट कर लेंगे इसे साइज लेते हुए। देखिए बीच का सेंटर इस तरह हमने कट कर लिया है जहाँ तक हमें हुक्स लगाना है यानी कि इस डिज़ाइन के पास ये पोटली बटन जो बने हुए हैं यहाँ तक ओपन रखना है, हमें भी हुक लगाना है। तो हम इस तरह बीच सेंटर में कट कर लेंगे इसके ऊपर रखते हुए। देखिए इस तरह बीच सेंटर में हमने इस तरह हुक की पट्टी के लिए कट कर लिया है और यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच लेते हुए हम इसे इस तरह नीचे थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसे भी कट कर लेंगे नेक को। देखिए इस तरह हमने नेक कट कर लिया है। अब हम इसके आस्तीन कट कर लेंगे। आस्तीन कट करने से पहले हम इसका कट बगल का साइज ले लेंगे यानी जो हमने आर्मोल कट करके रखा हुआ है उसका। इस तरह हम टेप को फिराते हुए साइज ले लेंगे। देखिए 10.5 है इसका साइज। अब हम इसके आस्तीन का साइज लेंगे। देखिए इस बचे हुए कपड़े को हम 4 फोल्ड कर बिछा लेंगे।
देखिए हम इस तरह 10.5 इंच का इस तरह ले लेंगे। हमने इस तरह 10 इंच लिया है, इसे क्रॉस करते वक्त 10.5 आ जाता है, तो इतना कपड़ा हम फोर फोल्ड करते हुए इसे बिछा लिया है हमने। अब इस पर हम रेडी आस्तीन रखेंगे कुर्ती के। देखिए इस तरह कपड़े पर हमने नीचे से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिंग निशान लगा लिया है, और साइड से भी हमने 1.5 इंच इस तरह लिया हुआ है, या हमने 2 इंचेस लिया हुआ है। अब हम इसका शोल्डर के पास से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कटिंग के लिए, और इसे इस तरह हम ढलाते हुए इस तरह मिला लेंगे। ये हमारे आस्तीन रेडी हो चुके हैं, इसे कट कर लेंगे हम। इस तरह हमने आस्तीन कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। हमारा कट यहाँ पर लग चुका है, यहाँ से हमें हमारी सिलाई आना है फिटिंग के हिसाब पर। तो ये था हमारा फुल आस्तीन की कटिंग अस्तर की। अब हम इसे नेट पर रखते हुए कट करेंगे। देखिए ये नेट हमने इस तरह घड़ी कर कर बिछा लिया है। अब इस नेट पर हम अस्तर को रखते हुए इसके साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। देखिए इस तरह हमने ऊपर का कपड़ा कट कर लिया है। अब यही कपड़े को हम इसमें यहाँ पर नीचे की तरफ जो अपना हमारा नेट का कपड़ा कम है यहाँ पर हम जॉइंट ले लेंगे। देखिए हमने इसके जॉइंट कट कर लिए हैं। आइए अब हम इस फ्रॉक की स्टिचिंग देखते हैं। पहले हम स्टिचिंग करने से पहले हम कॉलर की पट्टी को अलग कर लेंगे और अस्तर को चिपका लेंगे। आस्तीन को भी हम ये इस कलियों को जॉइंट लेते हुए पूरा आस्तीन हम चिपका लेंगे नेट से। इस तरह हम दोनों तरफ के आस्तीन के कलियों को जॉइंट कर लेंगे, और ये नीचे हमारा लेस, इसे हम पहले अस्तर को मोड़कर सिलाई लगा लेंगे। आस्तीन के नीचे के हिस्से में 1/2 इंच मोड़ते हुए हम एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह। इस फोल्ड किए हुए कपड़े को हम इस आस्तीन को उल्टा रखते हुए इस पर लगाएंगे। देखिए ये नीचे की ओर हमने नेट रखा हुआ है, और ऊपर इस तरह जो हमने फोल्ड किया हुआ था उस कपड़े को हम बाहर नहीं दिखना चाहिए इस तरह लगाएंगे। लेस की थोड़ा अंदर रखकर कपड़े को सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह अब हम चारों तरफ से इसे अस्तर को नेट के साथ जॉइंट कर लेंगे। हमारा आस्तीन चारों तरफ से जॉइंट हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड के और बैक साइड के हिस्से को जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह हम बैक साइड के हिस्से को आर्मोल के पास से जॉइंट कर लेंगे इस तरह। इसी तरह हम आर्मोल शोल्डर और दूसरी तरफ के आर्मोल पर भी जॉइंट कर लेंगे। देखिए इधर से हमने जॉइंट करते हुए इस शोल्डर के तरफ हमने लाया है सिलाई को। अब हम इस साइड का आर्मोल जॉइंट करेंगे। इसके बाद हम साइड के हिस्से को भी कमर तक सिर्फ जॉइंट करेंगे, कमर से हम बिल्कुल नीचे नहीं जाएंगे। देखिए इस तरह हमें दो कटोरियां भी लगानी है बॉडी में। तो हम इसके लिए पहले इस तरह जितना हमने ऊपर की बॉडी में कट किया हुआ था साइज उसी तरह हम यहाँ और एक अस्तर का कपड़ा कट कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह शोल्डर बगल और लंबाई में हम 15 इंच लेंगे, और इसमें हम निशान डालते हुए 12 इंच पर ऊपर से निशान डालते हुए 12 इंच पर कटोरी को रफ कर लेंगे सीकर। देखिए कटोरियाँ लगाने के लिए ये हिस्से लगाने के लिए हमें गले के पास से चौड़ाई 3.5 इंच रखते हुए शोल्डर के पास से हमें 12 इंच पर निशान लगा लेना चाहिए इस तरह। आप ये साइज के हिसाब से लगाना चाहिए। आप इस चाहे तो इसे 10.5 इंच या 11 इंच पर भी लगा सकते हैं। इस तरह हम बीच सेंटर में पीछे साइड भी हम इसे पलटी करते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे, और दोनों निशान पर हम कटोरी को रफ कर लेंगे। इसे हम इस तरह रखते हुए इसमें रफ कर लेंगे, बीच सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह
दूसरी कटोरी को भी हम इसी तरह सिलाई कर लेंगे। देखिए जिस तरह हमने इस कपड़े से इसको लगा लिया है, बिल्कुल उसी तरह हमें इसे भी साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि साइज लेते हुए, ये जो चेस्ट का बीच का सेंटर होता है उसे हमें टेप से माप लेना चाहिए और उसी सेंटर के हिसाब से हमें ये कटोरी इस पर लगाना है और हमें बीच में रफ करना है। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरी कटोरी भी लगा लूँगी। देखिए दोनों कटोरी लगने के बाद अब जो हमने अस्तर जॉइंट करके रखा था फ्रंट के हिस्से में और बैक के हिस्से में, तो अब हम फ्रंट का हिस्सा ले लेंगे। देखिए जब हमने फ्रंट के हिस्से को नेक को जॉइंट किया था तब इस तरह थोड़ा कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इस तरह सिलाई कर ली थी हमने। अब इस पर हम कटोरी लगाए हुए कपड़े को सिलाई करेंगे। इस तरह हम इसे इस तरह कपड़े को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर हम इस तरह ये बिछाते हुए कमर के तरफ से इसमें भी आर्मोल में सिलाई ले लेंगे, यानी कि अस्तर को हम ज्वाइंट कर लेंगे। इससे हमारी कटोरी अंदर की तरफ हो जाती है। देखिए इस तरह हमने उल्टे हिस्से में कटोरी के हिस्से के कपड़े बॉडी की साइज में कट करके लगा लिए हैं। अब हम इसे यहाँ पर चुन लेते हुए इसे कमर के पास सिलाई कर लेंगे। ये हमारा कमर का हिस्सा है, यहाँ पर हमारी सिलाई आना है। अब हम इसे आइए सिलाई कर लेते हैं। सिलाई सिर्फ हम अस्तर के कपड़े पर लेंगे, नेट के कपड़े को बिल्कुल भी हम इसमें नहीं मिलाएंगे। देखिए जहाँ हमारी कटोरी लगी हुई है वहाँ पर इस तरह कपड़े को हम एक चून लगा लेंगे और इसे कंप्लीट सिलाई ले लेंगे। डबल सिलाई भी हम इस पर कर लेंगे। कटोरी के अस्तर की सिलाई लगने के बाद अब हम इसे शोल्डर पर सिलाई ले लेंगे। सीधे से सीधे कपड़े को चिपकाते हुए, यानी कि उल्टे कपड़े पर हम शोल्डर इस तरह पैक करेंगे। पीछे का गला बिल्कुल हमारा कट नहीं होगा। दूसरे शोल्डर को भी हम इसी तरह जॉइंट कर लेंगे। देखिए हमारा शोल्डर पैक हो चुका है। अब हम इसे कॉलर भी लगा सकते हैं या फिर पहले आस्तीन भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसे कॉलर लगाएंगे कि हमने इसका कॉलर लगा लिया है। अब हम इसके आस्तीन लगाएंगे। तीनों को लगा लिया है, अब हम इसे साइड से पैक करेंगे। देखिए हम साइड में जिस तरह सिलाई लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह हम कमर तक सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर कमर के कट के पास हम सिलाई को रफ करते हुए रुका देंगे। कमर के पास सिलाई रुकाने के बाद हम अस्तर को अंदर की, देखिए नेट को हटाते हुए हम अस्तर पर सिलाई कर लेंगे। जहाँ हमने कमर की सिलाई को रुकाया हुआ था उसी के बाजू से हम सिर्फ अस्तर से अस्तर को पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह साइड की सिलाई लेने के बाद हमारी जो डिज़ाइनर फ्रॉक है, लॉन्ग फ्रॉक, वो इस तरह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम कैन नेट यूज़ करते हुए इसका घेरा बढ़ाने के लिए कैन नेट यूज़ करेंगे। इसमें आइए देखते हैं किस तरह हम कैन नेट यूज़ करेंगे। ये कैन नेट है, यानी कि कैन जाली है ये। इसे हमने 16 इंच यानी कि 16 इंच कट कर लिया है। हमारे कुल फ्रॉक का जो घेरा है वो 4.5 मीटर का है, तो हम ये कैन नेट को इस तरह 16 इंच में कट करते हुए 9 मीटर्स ले लेंगे और इसे जॉइंट करके चून बना लेंगे। देखिए इस नेट कैन को हमने इस तरह जॉइंट कर लिया है, पूरा इसे जॉइंट करते हुए 9 मीटर्स तैयार कर लिया है और ऊपर इसे हमने चौक भी लगा लिया है। इस तरह पूरी कैन नेट को हम पूरा प्लेट्स लगा लेंगे और इस अस्तर को भी हम बीच में से 2 पीसेस करते हुए, देखिए ये 32 इंचेस की चौड़ाई का अस्तर है, इसे हम बीच में से 2 हिस्से कर लेंगे। ये हमें अस्तर इसलिए लगाना है ताकि हम जब कैन नेट लगाएं तो ये अस्तर इसके ऊपर से हम सिलाई कर लें, ये नेट हमें बाहर की तरफ ना दिखे, इसके लिए ये अस्तर हमें लगाना है। देखिए हमने अस्तर को भी 16 इंच की लंबाई में कट कर लिया है। नीचे की तरफ किनारा है इसलिए धागे नहीं निकलते, तो हम इसे मोड़कर सिलाई नहीं लगाएंगे और प्लेट इसके भी हम बना लेंगे। फ्रॉक की चौड़ाई के बराबर इसकी हम प्लेट्स लगा लेंगे। देखिए हमें फ्रॉक के अंदर कैन नेट लगाने से पहले इससे इस तरह हम ओपन करते हुए जितनी हमारी साइज है कैन नेट की उससे 2-4 इंच बढ़कर ऊपर से हमें निशान डालना है। देखिए हमने 16 इंच की कैन नेट लिया है, तो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह 18 नंबर पर ऊपर टिक लगा दूंगी। देखिए ये 18 नंबर है। देखिए चारों बाजू हम इस तरह 18 या 19 नंबर पर निशान ले लेंगे।
पूरे उल्टे फ्रॉक में पूरा निशान लेना है और इसी निशान पर हमें कैनकेन नेट की जो हमने प्लेट बनाई हुई है उसे लगाना है। इस तरह जो हमने प्लेट्स ली हुई है कैनकेन नेट पे, उसे हमें इस मार्क चौक पर रखकर सिलाई लेनी है। चारों तरफ हम गोल फ्रॉक में उल्टी तरफ यही काम करेंगे कि पूरी कंप्लीट सिलाई ले लेंगे।